जिस बुलडोजर से कांपते हैं गुंडे, बदमाश और माफिया। उस बुलडोजर पर कानपुर कांड के बाद उठने लगे सवाल। बुलडोजर पर गरीबों की झोपड़ी तोड़ने का लगा आरोप। क्या सीएम योगी की चेतावनी भूल गया पुलिस प्रशासन? योगी राज में सूबे के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर किस कदर दहाड़ता है, ये बात आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं की संपत्ति को रौंदते हुए बुलडोजर को देखकर समझ सकते हैं। कोई कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, योगी सरकार का बुलडोजर उनकी अवैध संपत्तियों को रौंदने में कभी पीछे नहीं रहा। और आज बाबा का यही बुलडोजर कानपुर कांड की वजह से बदनाम हो रहा है। तो एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की वो चेतावनी याद आ गई जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी, दुकान या ठेले पर नहीं चलेगा। सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी, अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर चलेगा। दरअसल जिस बुलडोजर की पहचान कभी निर्माण से जुड़े कार्य की वजह से हुआ करती थी, योगी राज में उसकी पहचान एक ऐसे यंत्र की हो गई है जो विकास भी कराता है और माफियाओं को भी धमकता है। और ये बयान खुद सीएम योगी ने यूपी चुनाव के समय एक रैली में दिया था। और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों, उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है। वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था यहाँ पीछे चार चार बुलडोजर खड़े हैं। जिस बुलडोजर एक्शन के दम पर सीएम योगी ने यूपी की सत्ता हासिल की, जिस बुलडोजर ने यूपी में कानून का राज कायम करने में बड़ी भूमिका निभाई, आज उसी बुलडोजर पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि जिला कानपुर देहात के गांव मडौली में बीते सोमवार को पुलिस फोर्स के साथ तहसील प्रशासन गांव के कृष्ण गोपाल दीक्षित के यहाँ अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुँचा था, जिसमें पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी और उनकी 20 साल की बेटी नेहा दीक्षित जिंदा जल गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन का कटघरे में है। इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ था? कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही मसामिल है, को कुछ नहीं की ना। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेख पाल और डीएम पर भी। हाँ, डीएम नया जैन ही सब साजिश करता है। नया जैन है, गोरे दीक्षित है ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, विजय, निर्मल, मनीष चिरगुआरा ही मिल के आग ही लगाई ना के माँ घर में आ गए। मम्मी और मिट्टी सब तो फरीज हो गए, मऊ भरे थे अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब। कुछ नहीं को देखो लगना ही, ये सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने भजन रहे उठाई नहीं पाए। कानपुर के इस वारदात के बाद जहां योगी सरकार का बुलडोजर कटघरे में है, तो वहीं विपक्ष भी ताबड़तोड़ सवाल दाग रहा है। यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट में लिखा है, भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत व संवेदनशील के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर की हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट में लिखा, सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। मड़ौली कांड की दर्दनाक घटना के बाद विपक्ष जहां योगी सरकार पर निशाना साधने में जुटा हुआ है, तो वहीं इसी बीच सीएम योगी का करीब 10 महीने पुराना एक बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अफसरों को साफ तौर पर हिदायत दे दी थी कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी, दुकान या ठेले पर नहीं चलेगा। सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी की ही संपत्तियों पर ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़े। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं आप। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है, तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं,
वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए। सीएम योगी ने पहले अफसरों को हिदायत दे दी थी कि गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर सरकारी जमीन पर किसी गरीब ने कब्जा किया है तो सबसे पहले उनका पुनर्वास किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने यह बयान उस वक्त दिया था जब पिछले साल अप्रैल में ग्रेटर नोएडा के परिचौक पर अथॉरिटी के कर्मचारियों ने जेसीबी से एक गरीब की रोजी रोटी को तहस नहस कर दिया था। वो गरीब युवा अपने ठेले को ना तोड़ने के लिए गुहाई देते हुए जेसीबी के नीचे लेट जाता है, लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। कानपुर देहात कांड पर एक्शन। सीएम योगी ने पिछले साल अप्रैल में ही चेतावनी दे दी थी कि गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन चेतावनी के बावजूद कानपुर देहात में एक झोपड़ी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इस दौरान दो लोगों की मौत भी हो गई, जिस पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। तो वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद रूरा थाने में मैथा तहसील के SDM गणेश्वर प्रसाद, रूरा थाना HSO दिनेश प्रसाद गौतम, लेखपाल अशोक सिंह, जेसीबी ड्राइवर दीपक, मंडौली गांव के ही रहने वाले चार लोग अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, विशाल और 10-12 सहयोगी अज्ञात समेत तीन लेखपाल के खिलाफ धारा 302, 307 सहित आधा दर्जन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। साथ ही 12 से 15 महिला पुलिस वालों पर कुल 6 धाराओं 302, 307, 436, 429, 330 और 34 में FIR दर्ज की गई है। इन आरोपियों के खिलाफ जहां FIR दर्ज कर ली गई है तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी आरोपी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर डंडा चला दिया है। मामले में जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि ज्ञानेश्वर प्रसाद और लेखपाल अशोक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिस रूरा थाना इलाके में ये वारदात हुई है उस थाने के प्रभारी को भी हटा दिया गया है। ऐसे में इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।